हेलो व्हाट इज द पीपल, इट्स योर बॉय सोहेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉर्थ बॉय सोहेल। तो आज की वीडियो में कुछ दिखाने वाला नहीं हो, लेकिन कहानी है जो आप लोग से शेयर करना है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये मेरे यूट्यूब का पहला वीडियो है, लेकिन मैं बहुत बार यूट्यूब चैनल क्रिएट कर चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन डिलेड हो जाता है, मतलब चलती नहीं ना। क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि मैं एक हॉस्टल स्टूडेंट हूँ, तो इस वीडियो में मैं इतना मतलब ब्लॉग या कुछ भी नहीं है, लेकिन एक कहानी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। वो कहानी है मेरी, पर्सनली मेरी कहानी है, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो कहानी में जाते हैं। तो कहानी कुछ ऐसा है कि साल था 2017। उस टाइम में मैं हॉस्टल स्टूडेंट था, मैं बचपन से हॉस्टल स्टूडेंट हूँ। तो उस टाइम में मैं हॉस्टल से घर आ रहा था, तो शायद से घर आ रहा था। तो घर आने के टाइम में एक हॉस्टल स्टूडेंट जब घर आता है, घर में आता है हॉस्टल से, उसको ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है कि घर में जाने मिलेगा, हॉस्टल से छुटकारा, तो अच्छा लगता है। तो मैं भी आ रहा था, इस बार मेरा मज़ा थोड़ा ज़्यादा था। क्योंकि बात कुछ ऐसा है कि हर स्टूडेंट जब हॉस्टल से घर आता है, तब तो होता है ना बच्चा लोग को ऐसा कि मोबाइल टीवी ये सब थोड़ा देखने का है, घर में मौज करने का है। लेकिन इस बार मेरे को पता चला था, क्योंकि 2017 में जो मेरा एक दोस्त था हॉस्टल में, और वो दोस्त मेरे को बोला कि वो घर में जा यूट्यूब देख और यूट्यूब में वीडियो देख। बोले यूट्यूब कैसे कैसे देखते हैं, मतलब वो बोला कि इंटरनेट अभी मिल गया है। उस टाइम में नया नया जियो लॉन्च हुआ था, और जियो मतलब पहले लॉन्च हुआ था, जो 15 का लास्ट में शायद से, तो लेकिन 15 या 16 मेरे को इतना एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम में इतना मतलब ये सब का क्रेज नहीं था। तो उसके बाद लॉन्च होने के बाद मेरा फैमिली थोड़ा लेट से जियो सिम लिया, मेरा मम्मी, क्योंकि मेरा मम्मी को इतना कुछ पता नहीं है सब के बारे में। तो लेने के बाद वो मेरे को बोला, तो यूट्यूब में जा, इंटरनेट अभी फ्री है, ऐसा कुछ रिचार्ज मेरे को उस टाइम का पता नहीं है इतना। तो उसने बोला तो देख यूट्यूब में वीडियो देख सकता है। तो उसके बाद मैं जब घर में आया, घर में आने के बाद मैं असली में देखा कि इंटरनेट है, मतलब यूट्यूब में जाने से सब कुछ दिखाई मिलता है। तो पहले तो मैं कंप्यूटर का दुकान से भरता था, हर दिन वही 50 गाना, 2-3 मूवी, कॉमेडी वीडियो, ये सब। उसके बाद मैं यूट्यूब में आया, तो मैं आने के बाद देखा, वाह ये तो अच्छा है, त्रिपुरा टी सीरीज वी सीरीज का गाना आ रहा है सब कुछ। उसके बाद हनी सिंह का गाना ये सब सर्च करने लगा। उस टाइम में हनी सिंह का गाना सुनते थे हम लोग बच्चा में, मतलब जैसे सुनते थे हनी सिंह गाना ये सब सर्च करने लगा। उसके बाद एक दिन गया मैं पूरा मोबाइल में, उसके नेक्स्ट दिन फिर से मैं उठ के यूट्यूब में हाथ लिया। तो उस टाइम में क्या हुआ ना, यूट्यूब में मैं सर्च करने लगा दिल्ली दिल्ली का कुछ वीडियो, क्योंकि मैं ना 2014 में मैं दिल्ली गया हुआ था। उसके बाद मैं सर्च किया, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप कुछ जगह में गए थे, उसके बाद आपको ये चीज़ वीडियो में देखने मिल रहे है, तो अच्छा लगता है, तो ऐसा टाइप का। तो मैं दिल्ली वेल्ली सर्च किया, उधर पे देखा तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। उसके ऐसे ही जगह जगह का वीडियो देखते 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 मेरे सामने एक वीडियो आया, और वो वीडियो ने हिला डाला मेरे को। और वो वीडियो था, एक यूट्यूबर है, मैं नाम बाद में लूँगा, वो यूट्यूबर का वो वीडियो था। दिन था 15 मार्च 2017, वो दिन वीडियो था, वो दिन था। मैं आज भी वो वीडियो दिखता हूँ, जब वो मैं सब याद है उस वीडियो के बारे में। तो जब वो वीडियो में उसका टाइटल क्या था पता है, थैंक यू 10K YT फैमिली मेंबर्स, ऐसा टाइप का कुछ था, ऐसा टाइप का वीडियो था। मैं सोचा YT फैमिली 10K क्या है। उस वीडियो में मैं घुसा, घुसने के बाद मेरे को पता चला कि बाद में मेरे को पता चला कि उस बंदे का 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है। उसके बाद मेरे को ऐसा पता चला ज़्यादा जल्दी जल्दी कि सब्सक्राइबर स्क्रिप क्या होता है। तो उस बंदे का कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं उसका वीडियो में मतलब सब्सक्राइब किया। मैं ऐसा किया, सब्सक्राइब करने के बाद मेरे को उस बंदे में इंटरेस्ट आने लगा। उस बंदे का मतलब ऐसा कंटेंट था कि वो बाइक चलाता था, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाता था, उसके बाद हवा के टाइप का कॉन्टेंट था। मेरे को मज़ा आता था, क्योंकि दूसरों का लाइफस्टाइल देखने में ना अलग एक क्रेज होता है कि उसका बारे में मेरे को पता चल रहा है घर बैठे बैठे, ऐसा अच्छा लगता है ना। तो उसके बारे में मैं वीडियो देखने लगा मेरे को अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद से मैं ठान लिया कि मेरे को जब पता चला धीरे धीरे एक दिन ना भाई अपन को भी यूट्यूबर बनना है। तो मैंने बहुत बार चैनल क्रिएट्स किया, उसके बाद वीडियो बनाया, काट दिया, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं हॉस्टल में चला जाता हूँ तो वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिलता है, और चैनल परे परे एडिट हो जाता है, कुछ ना कुछ होता है, मतलब टाइम होता है ना, एक चीज़ टाइम बहुत मतलब किया है मेरे साथ कि ये वो। उसके बाद मैं एक ही सपने में था कि कब मेरा हॉस्टल छूटेगा और मैं कब वीडियो बनाऊँगा। फाइनली आज 2023 है, तो मेरा हॉस्टल छोड़ी है,
छूटा मतलब घर में थोड़ा कोशिश वोशिश करके हाथ पैर पकड़ के मम्मी पापा का तो छोड़ लिया हॉस्टल में। तो अभी फिर से सोच रहा हूँ कि यूट्यूब में आने का। तो ये मेरा पहला वीडियो था, लेकिन मैं थोड़ा कहानी शेयर करना चाहिए, मेरा फीलिंग्स क्या है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि तूने इतना बड़ा मतलब तू ये कहानी सुना है तो इंसान है कौन, यूट्यूबर। तो यूट्यूबर है, जो कि मैं इसको यूट्यूबर से ज़्यादा मेरा गुरु मानता हूँ। कभी मिला नहीं हूँ मैं उससे, इंस्पिरेशन है मेरा। उसका वीडियो देखता हूँ हर दिन, जब भी उसका वीडियो आता है 11 को सुबह देखता हूँ मैं। उसका नाम है MSK ब्लॉग्स। असली में वो बंदा ना सलीम खान, मोहम्मद सलीम खान, आप लोग पता होगा बहुत लोग को कि वो बहुत फेमस राइडर है, प्लस मोटो ब्लॉगर, यूट्यूबर, और मतलब हर तरह का कंटेंट बनाते हो, घूमने का, घर में बैठने का, लॉकडाउन का, हर टाइप का वीडियो बनाते थे। उस बंदे को मैं आज भी फॉलो कर रहा हूँ, अच्छा लगता है। उसको देख के ही सीखा है जो भी सीखा है। तो मेरे को लगा था कि फर्स्ट वीडियो बना के तो मैं क्या ही बनाऊँगा, अभी मेरे पास है नहीं कुछ दिखाने के लिए। तो ये स्टोरी आप लोगों से शेयर कर दो। बाकी वही है, उसके ब्लॉग्स को देखा, भाई को तब से देख रहा था जब भाई के पास आरोहन था। अभी तो भाई के पास आरोहन के बाद KTM आया था, उसके बाद टाइगर, उसके बाद आया आपका एक्सपल्स, अभी भाई ने अफ्रीकन ट्विंग्स ले लिया है शायद से। और फिर से आज मैं वीडियो देख रहा था तो भाई ने एक और स्पोर्ट्स बाइक लेकर बोला है कि S1000 RR। तो भाई को देख रहा हूँ मैं, भाई मतलब सर को, तो अच्छा लगता है मेरे को उस बंदी को देख के। तो यही मेरा स्टोरी था कि मैं कैसे यूट्यूब में मेरा क्रेज़ बढ़ा था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोग को भी अच्छा लगता है, मेरे को मेरा वीडियो देखने का मन होता है आप लोग को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, क्योंकि इस चैनल में मैं भी वीडियो बनाता रहूँगा। अभी तो मेरे को भी वही शौक है करने का, है मेरे को यूट्यूब में वीडियो। बाकी सब कुछ भरी है, थोड़ा बात ज़्यादा कर ली है, तो यही था वीडियो। बाकी देखते और क्या कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना भाई, कट्टर फैन हूँ आपका मैं, और आपका हर एक वीडियो में जो टेस्ट है ना, क्या है वो वीडियो आपका, अच्छा खास लगता है। बाकी गाइस मेरे जन, तो यही था मेरा फर्स्ट वीडियो। बाकी सामने व्लॉग व्लॉग आ रहे हैं, मैं बनाऊंगा, ट्राई करूंगा मेरा लेवल बेस्ट देने का। बाकी देखते हैं ये वीडियो के बाद क्या कर सकते हैं। अभी तो रमज़ान का महीना चल रहा है, 4 बार हो जा गया अभी, तो अभी मैं कुर्ता पजामा ही नहीं हूँ, तो अभी नमाज का टाइम है, तरावी पढ़ने जाना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों से थोड़ा मिलते हैं, चाय वाय पीते हैं, ओके, सब कुछ बढ़िया है। हेलो गाइस, तो गाइस अभी नमाज वमाज कंप्लीट हो गया, तो मैं नमाज पढ़ के आ गया था। हेलो चुप, नमाज कंप्लीट करके आ गया। तो अभी मैं मेरे दोस्त लोग के पास जा रहा हूँ, मतलब इधर भी एक नया शॉप खोला है वो मामा टी बोल के। तो उधर अभी सोचा मैं चाय मिले पाई चाय पीने का मन था, तो भी मम्मी को परेशानी दे के क्या ही फायदा है ना। तो अभी बोल रहा हूँ मैं कि उधर पे जाके चाय पी लेता हूँ, दोस्त भी उधर पे है एक दो, तो ठीक है। बाकी अच्छा तो ब्लॉग नहीं था, बात करके पूरा टाइम किया, तो सोचा कुछ दिखा दो आप लोगों को। बाकी सब बढ़िया, उधर जाके मिलते हैं। अभी मेरे पास इतना जुगाड़ नहीं है कि मैं इधर कैमरा वैमरा लगा के पूरा सजाओ, कुछ भी नहीं है भाई मेरे पास, तो उधर जाके मिलते हैं। हो गया तो कुछ बोल दो, एड्रेस वेड्रेस, अगर कोई तुम्हारे इधर पे आए, अभी इतना फेमस हो गया तुम्हारा दुकान, तो कुछ बोल दो एड्रेस कहाँ से होने से इजी होता है। मिशन रोड पे है रेस्टोरेंट। बाकी कैसा चल रहा है अभी मामा टी? अभी चल रहा है, अच्छा चल रहा है ना। तो हम लोग को भी अच्छा लगा इधर पे वाई फाई वाई तुम दे दिया, ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर शॉप, अच्छे से करो, बाकी सब कुछ ठीक है। काका कैसा लगता है काम करके? काम करके बहुत मजा आ रहा है। अच्छा हो रहा है ना सब कुछ? आपका हाल चाल? हाँ हाल चाल सब कुछ अच्छा। आपका घर में कैसा है? हाँ ठीक है, बाकी सब कुछ बढ़िया है ना, घर में सब कुछ अच्छा है? ठीक है, अच्छा रहने से अच्छा है।
अकबर साहब अच्छा। बाकी खाना कैसा लग रहा है मामू? सब कुछ अच्छा है? बहुत अच्छा बा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बा। बाकी सब कुछ अच्छा है। इधर पे हम लोग आया था सब दोस्त लोग मिल के, तो इधर पे एक नया मतलब टी स्टॉल ही बोल सकते हो, लेकिन सब कुछ मिलता है। तो शुरू हुआ था इधर पे आके नमाज के बाद थोड़ा अड्डा वड्डा मारते हम लोग सब दोस्त लोग। बाकी अच्छा है, आप लोग भी आना चाहते हो तो आ सकते हो। हम लोग को तो अच्छा लगा, अच्छा लगा कि नहीं सब लोग? तो गाइस आज का वीडियो इतना तक ही था। अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो करो, अगर यूट्यूब में देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। बाकी सब कुछ बढ़िया है, अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ पियो, अपने मम्मी पापा को प्यार करो। बाकी सब बढ़िया है।